कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने 2025 में विदेशी अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। उन्होंने इसे कनाडा फर्स्ट का नाम दिया है। ट्रूडो ने सोशल मीडिया पर बताया कि कंपनियों को नौकरी में अब कनाडाई नागरिकों को प्राथमिकता देनी होगी। कनाडा की कंपनियों को अब विदेशी कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर नौकरी पर रखने से पहले ये बताना होगा कि उन्हें कनाडा का योग्य नागरिक मिला या नहीं। ट्रूडो ने कहा कि यह निर्णय अस्थायी है और कनाडा की आबादी में हो रहे इजाफे को रोकने के लिए लिया गया है। ट्रूडो सरकार के इस फैसले से प्रवासी और युवाओं के बीच बेरोजगारी बढ़ सकती है। भारतीय छात्र शॉपिंग मॉल, फूड स्टोर और रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं। कनाडा में 2023 में भारतीय अस्थायी वर्करों की संख्या सबसे ज्यादा थी। कुल 1.83 लाख अस्थायी कर्मचारियों में 27,000 भारतीय थे।